समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौरी यादव जी का बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव निर्वाचन से प्रचार प्रसार कर मिर्जापुर बनारस जाते हुए कार्यकर्ताओं सहित अल्प प्रवास कटनी के राज पैलेस में हुआ, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, यह चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है, जिसमें जनता पूरे बहुमत से सपा को चुनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी शीघ्र पार्टी खड़ी करेंगे। स्वागतकर्ताओं में कटनी जिला अध्यक्ष पन्नालाल त्रिपाठी, राजकुमार बक्सी, प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ उमेश त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अजय शांडिल्य सहित सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। यूपी में हमको सरकार जी ने जितनी मेहनत करी है, इस देश में ऐसा आज तक आपको देखने नहीं मिला होगा, इतना बड़ा नेता के अकेले के दम से बीजेपी कांप रही है। हम पूरे उसमें रहे बुंदेलखंड में और आज हम मिर्जापुर जा रहे हैं, दो तीन दिन मिर्जापुर रहेंगे। मिर्जापुर में कैलाश चौरसिया आप विजय करा के लाएंगे, पूरे देश में हवा बन गई इस समय। उत्तर प्रदेश में अब तो जनता चुनाव लड़ रही है, मुझे ये लगा कि जनता चुनाव लड़ रही है, कुछ नहीं किया लोगों के लिए, लोग दुखी हैं, नौजवान दुखी हैं, बेरोजगार हैं, झुकी। यूपी जीतने के बाद आपका एमपी में क्या रहेगा? एमपी खड़ी करेंगे पार्टी, पूरी तरह से खड़ी करेंगे। आपका नाम एवं पद? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। कटनी से आरबी गुप्ता की रिपोर्ट।